शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लक्ष्मी देवी कृपा करा रे बाबा, टेलीफोन आए नमः, रॉन्ग नंबर आए नमः, दैवी प्रसाद आए नमः, पैसा आए नमः, रुपया आए नमः। ये क्या बाबू भैया, आलू की बोरी की तरह नीचे क्यों बैठे हो? काय चला रे? अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं। अमीर हो गया तो क्या मैं हवा में बैठूं? अरे खुल के बैठो। या जूता निकल बाबा, या जूता पहन के घर में नहीं घूमने का रहे है, जूता निकल। आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। अरे अमीर आदमी जूते पहन के सोफे पे सोता है। और बाबू भैया स्टाइल से जियो, खाना भी काटा चम्मच से खाओ यार। कैसा खाएगा रे? वड़ा पाव काटा चम्मच से कैसा खाएगा रे? ये क्या है, 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला, वही के वही कपड़े पहने हुए हैं। अरे अमीर बनो अमीर। अमीर आदमी 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, आधे घंटे में अपना घर बदलता है, 1 घंटे में अपना धंधा बदलता है, और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता है। अरे पांडुरंगा, अरे मेरा बीवी किधर है बाबा? हाँ बाजू वाले का लगा बदलू क्या? हाँ ठीक है वो सब तो छोड़ो, ये फोन तो बदलो आप। इतने पैसे खर्चे करके आपने नंबर तो वही रखा, ये मॉडल तो बदलो। फोन को हाथ लाओ ना, रख रख। अरे तेरे को बदला क्या मैंने? नहीं ना, मेरा फोन बदलने का बात नहीं करने का। ये बाबा तुमको मांगते, तू नाम बदल, कपड़ा बदल, मांगता है बाप भी बदल, ये फोन बदलने का बात नहीं करने का। ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये तेरा जूता साला और इनका चड्डी बनियान भी फोन की वजह से है। ये फोन नहीं है, किस्मत का घंटी है देवा, किस्मत का घंटी। हेलो, किसका फोन है? कबीरा। कबीरा स्पीकिंग। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। यार राजू उसको बोल बाबूराव मर गया। मेरा मामा नहीं है वो। उसको बोल कबीरा भाव जय महाराष्ट्र। स्टार फिशर क्या माइलम मजाक करता है? आधी मछली पानी में डूब के मर गई और आधी प्यास से मर गई, और बाबूराव की धोती भी खुल गई। साला धोती खुलता है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। ए श्याम, ए राजू, ए काहरे, ए शाने शाने नहीं रे बाबा, आपटे बाबूराव गणपतराव आपटे। ए तू आपटे के जपटे, इधर कपड़ा सुखाने का नहीं गिला है रे बाबा, सुखने दे रे, सुखने दे। ये मेरी पाली है। रात पाली की दिन पाली? नहीं पुराना है, लेकिन अभी क्या धोखे रखा है ना, तो फर्स्ट क्लास नया लग रहा है। ये मेरी पाली है, मेरे दरवाजे के सामने। ये लगता है ये जगह तेरे बाप का है। तेरे बाप का है? ओ, मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है। हो तो कोल्हापुर में जाके सुखाने का इधर नहीं। अरे बाबा धोती कोल्हापुर में सुखाएगा तो इधर क्या पहनेगा? क्या अभी तेरे को फोटो लूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। पकड़े, प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी। बोल, तू मेरे को जानता नहीं रे? मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले समझ ले। नहीं तो बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। पकड़ मेरे को साले, पकड़ नहीं मेरे को जान, ये पकड़ नहीं रे बाबा। चलिए ना, पकड़ मेरे को। आइए आइए, सेठ जी बड़े दयालु हैं, आइए आइए, तीनों आइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया, इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो सेठ जी। अरे ये झूठ बोलते हैं। इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ए तब तू ताप लेने ता तिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने, दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल नहीं, 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 वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? ए तुम दानपति नहीं ले, तामने से दबाव देता है तू। भोपाली बोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख
अबे बीत लात दे। अरे कैसा मारेगा लात तीस को रे बाबा। अबे बीत लात नहीं बोल रहा हूँ, बीत लात दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं रे लात कैसा मारेगा। बहुत मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे बीत लात नहीं है, बीत लात दे। अरे मैं समझाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे, अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लात दे। ताले ताले, तेरे को समझ में नहीं आता, 20 लात बोला तो तू तेरा चप्पल चलता है, तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं। ताले दिवाली जात भाई जात, तू ताले टप 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 बीच तोल टप 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 ताला टप टप ताला। अब मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या माइला, इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तुम से उला दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। अता ता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं 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 पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तरह में टिंगल था। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल तोल रहा है, तोता ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। गाता था माँ कसम, मैंने देखा इनका बाप ना, इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, मैंने देखा कसम से। गाता लय मेरा दिल माजा दिल तू ही माजी तगे वाले का पैसा खाया तूने, साला लौटा देना नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया, दे देगा रे, मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है साले, चला पीछे मुझे देख। आइला इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो, और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? 4 खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, जला डालूंगा अभी। जानता ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी 2 बार बताया। मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू 4 खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ। और अगर 4 जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर कुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी माँ है यार। अरे रुकिए तो सही महाराज, अरे सेठी साहब के बारे में कुछ बताना है आपको। अरे तुम क्या बताओगे पंडित, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, वो इंसान नहीं भगवान है, भगवान। अरे आप लोग यही मिल गए, आजा पंडित आजा, आज का दिन ही बड़ा शुभ है। अरे दिन खराब चल रहा है, बता रहा है हम आपको। क्या बात है अंकल, आज बड़े मुस्कुरा रहे। अरे ऐसी जगह रिश्ता तय करके आया हूँ भांजे, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों पंडित जी बताइए। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब, सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। शराफत की गंगा नहीं बहती है, खून की नदी बहती है। गोलियों से सुबह की शुरुआत होती है, गोलियों की गूंज से सरजी, और रात में जब तक 10-12 को लुड़का ना देना, खत्म नहीं होती रात उनकी। क्या बकवास कर रहे हैं? माँ कसम, शेट्टी साहब डॉन है। डॉन? हाँ। गॉडफादर?
परमात्मा, मजनू और शेट्टी साहब दोनों ने मिलकर फंसाया आपको अपनी बहन के लिए, समझते नहीं है। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी तोड़ दिया। भगवान अब क्या होगा मामा जी? मेरी किस्मत खराब है। क्या करूं मैं? ब्रेक मारू, ब्रेक फेल है, ब्रेक फेल है, मेरा हाथ फेल हो जाएगा। मम्मी मम्मी मैं कुछ कर लूं। बस अपने नहीं उनके पकड़ो। क्या कर रहा है तू? मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। भागे कुछ कर। मामा जी फिकर मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गाड़ी को टो कर रहा हूँ मामा जी। गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, अरे गाड़ी रोक। लकी मुझसे बात करो। लकी, लकी टॉक टू मी, मुझसे बात करो। लकी मुझसे बात करो, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? लकी लकी मेरे बच्चे, नहीं अंकल आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि क्योंकि यही लकी की आखिरी इच्छा थी सर। आखिरी इच्छा? मगर ऐसा क्यों कहा लकी ने? क्यों कहा? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। हम कभी आपसे झूठ बोल सकते हैं क्या? हम पर भरोसा नहीं है सर। क्या हुआ? आपके मामा जी बहुत ग्रेट हैं, हम सब की मुसीबतें अपने सर ले ली। वो देखो अंकल, अंकल कंट्रोल कंट्रोल। ये हमारे बेटे को अंकल क्यों कह रहा है? बेटे को नहीं, आपको अंकल बोल रहा है सर। वो मगर इतना रो क्यों रहा है? ये लकी का बहुत अच्छा बीड़ू हो गया था सर। बीड़ू?
इंग्लिश में बोले तो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। मैं उसको समझा के आता हूँ। हाँ राजेश, ना ना मुन्ना, ना ना ना, अबे जिंदा है, जिंदा है। अरे कौन जिंदा है? लकी, लकी, हमारे हमारे दिलों में जिंदा है ये, हमारे दिलों में जिंदा है। तेरा मामा जिंदा है, समझ जा तू। लकी कहाँ है? लकी कहाँ है? कहाँ? यही कहीं छुपा है। कौन? लकी। फर्स्ट क्लास ना धोके वो गुंडे भाई को ढूंढने चले जाते हैं। हमें कोई विक्रांत विक्रांत से नहीं मिलना। तो फिर हमको इनाम कौन देगा? डैडी जी, विक्रांत इनाम तो दे देगा, लेकिन उसके बदले में गुरु गुलाब खत्री को जान से मार देगा। क्या ये सही है? नो भाई नो। तो फिर बीवियों को हम क्या जवाब देंगे? मैंने सब सोच लिया है, वापस जाके बोल देंगे कि विक्रांत मिला ही नहीं। बेस्ट आइडिया ये। इधर 7 दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे एकदम। न साला कपड़े धोने का झंझट, न बर्तन मानने का झंझट। रूम सर्विस में फोन कर दे, लेके आओ। फर्स्ट क्लास आइडिया ये। तू साला भोला दिखता है, लेकिन एकदम होशियार हो। लुच्चा हाल 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 हाल। और खर्चा ना हिसाब में डाल देने का, समझा? ट्यूबलाइट। ओ लाइट किधर है? ओहो आ होटल में लाइट नहीं। ये क्या है? मेरे ख्याल से पुतला है डैडी जी। लेकिन नंगा नहीं है। ये स्मगलर लोगों का पुतला मैंने पहली बार देखा हूँ। वाह सोना पहने, ये असली लगता है। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं। आगे आगे हकलाता है। ये क्या बोला? कुछ नहीं, सॉरी, लगता है हम लोग गलत कमरे में आ गए। हाँ चले डैडी जी, चले। सही कमरे में आए ले तुम लोग। ओ तो आप गलत कमरे में आ गए। जा भाई जा जा जा। अपन भी सही कमरे में आए ले। लगता है हम लोग गलत होटल में आ गए। हाँ, ये होटल भी सही है, नाटक ने सीधा खड़े लो। कमाल है, होटल सही है, कमरा है सही है। तो तुम भी हमारे साथ ही रहने वाला? लेकिन हमने तो भाड़ा 2 ही आदमी का दिया है। एक काम करो, तुम हमको भाड़ा दे दो, इनडायरेक्ट इनकम, समझ? हाँ, और बाद में इधर एडजस्ट कर लेंगे ना। अभी देखो बात क्या है कि बुकिंग पहले हमने किया, तो हम लोग तो 2 आदमी पलंग पे सोएंगे, तुम चादर लेके नीचे सो जाना, समझ गया तुम? अभी व्यवहार का बात हो जाए, थोड़ा एडवांस वगैरह मिल जाए। एडवांस बुकिंग? अबे मुंह की खिड़की बंद कर, नहीं तो तेरे को करंट में हाउसफुल दे डालता हूँ। जानता मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है? ये इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग है ना, अपन को छोटा छत्री बुलाते हैं। छोटा छत्री? छोटा छत्री? छत्री वालो छे। नहीं चाहिए भाई हमको छोटा बड़ा कोई छत्री नहीं चाहिए। बारिश तो है नहीं, अभी छत्री लेके क्या करेगा? अभी छत्री लेकर तो मेरे को तो वाइफ को हिसाब देना पड़ेगा। आ समझ से बात कर, जाओ दूसरी जगह जाके बेचो। अबे कम अकल के चाय की पत्ती, अपन इधर से जाने के लिए नहीं, तुम दोनों को उठाने के लिए आए। देख भाई ताड़पत्री। ए छोटा छत्री। कौन छोटा छत्री? अरे अपन का नाम है छोटा छत्री। हाँ तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होगा। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तो अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छत्री है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री, तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख। इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तू समझा ना काजू कतरी। ये देखा इसने अंदर से ये निकाला है। अभी घुसड़ूंगा ना तेरा, वो भी निकालूंगा तेरे को, समझा? अभी दिमाग फिर गया ना तो तेरे को तड़ी पार कर दूंगा इस दुनिया से। चल किधर जाने का है? ये डान्ना के पास। चलाओ। डैडी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि हमें इनाम से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? आपने देखा नहीं वो लोग हम पे कैसे हंस रहे थे?
मैं तो कहता हूँ सामान बांध के पहली फ्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका भाग जाते। अरे ना ना, खाली याद गए तो हमारी बीवी हमको मार डालेगी गांडा। इधर, यहाँ मरने से तो अच्छा हम अपनी बीवियों के हाथों से मरे। कम से कम उन दोनों को फांसी की सजा तो मिलेगी। गुड आइडिया भाई, गुड आइडिया। कबूतर क्या गुटे रो, क्या चल रहा तुम लोग का? अरे आप हमको छोड़ के चले गए ना, आपका रात देख रहे थे। अच्छा गुड नाइट और रेनकोट भाई। गुड नाइट। मेरा नाम छोटा जत्री है क्या? गलत नाम लिया ना तो खोपड़ी में घुसर दूंगा खंजर, समझा? ये चिकने चल कमरे में खेत के चेन, वो तो ट्रेन में होता है। चद्दर खेत के सोया चल। हाँ तो हम लोग तो चद्दर खेत के ही सोते हैं। चल भाई चल। ए तू इधर जा रहा, तू तू चल उधर और तू चल इधर। बाथरूम में? उधर कैसे सोएगा? उधर मच्छर तो बहुत होते भाई, बाथरूम में कैसे? गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पे सवालों का मंजीरा मत बजा। क्या जब तक हम लोग अमेरिका नहीं उड़ते ना, तू मेरे साथ रहेगा ताकि ये नहीं उड़े, समझा? क्या नाटक मत कर। चल भाई चल। तू रोज रात को नंग नंग नहीं, नंगा नहीं, पूरा कपड़ा पहन के सो। नहीं नंगा नहीं, तू नहाता क्या? दो बार नहाता हूँ, लेकिन नहाने के टाइम में नंगा होता हूँ विनोद भाई। अभी बहुत काम करने का मेरे को, अमेरिका जाके खतरे को भी मारने का, समझा? दिमाग की नस मत फाड़, तू लक्कड़ की पैदाइश है, है, है। आ गए वापस नरक में। अरे वाह वाह, जो 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 कमाल है ना, कमाल है ना। अरे मैं जहाँ पे अटका हूँ तू कहाँ पे शुरू हो गया? झकास बोल रहा था मैं। अबे झकास है कि कंकास है, तू अंदर जाएगा तो पता चलेगा। क्या बोला? गुजराती में झगड़े को कंकास बोलते हैं, समझा? कोई नौकर वगैरह नहीं क्या सामान उठाने के लिए? हाँ मैं ना भाई, हमारा तो यही काम है। मैं कुली नंबर वन और ये कुली नंबर दो। चलो भाई दामाद जी सामान उठाओ और डांडिया खेलने को तैयार हो जाओ। चलो आ गए हमारे करोड़पति। चलो 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 जल्दी से करोड़ को पति से अलग कर दो। आइए अंदर आइए। दुनिया का सबसे भयानक कोना हमारा घर, और वो है हमारा कमरा। वो ये किचन। हाँ हम लोग तो उधर ही पड़े रहते ना पूरा दिन। वो बाथरूम है, अंदर पानी आता ना, ठंडा गर्म दोनों। कोई कपड़ा वपड़ा लाया तो धोने का शुरू कर दो। वेलकम वेलकम। ए रुको, ये क्या हो रहा है? किन भिखमंगों को उठा के ले आयो? घबराना नहीं हो, हमारा तो रोज का है। नवो है ना बिचारो, इटले ये डार्लिंग है ना, मेरा दोस्त है, अभी इंडिया से आया है। क्या क्या नाम है तेरा? चेन वाला छोटा छतरी। और ये है येड़ा अन्ना। हाँ कुछ दिन इधर रहेंगे अपने यहाँ। क्यों रहेंगे? ये क्या कोई लॉज है? हम तुम्हें रहने देते हैं यही बहुत है, समझे? चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर बराबर। चलो बराबर, चलो बराबर। चलो तुम दोनों अपना अपना सामान उठाओ और चलो निकलो। आउट। अरे जाते हो कि बाहर फेंक दो? ये ए ए थूकते का नहीं, नो स्पिटिंग हियर। थूकता नहीं है बेचारा, हकलाता है। और ये बेचारा गूंगा सिर्फ इशारे से बात करता है। अरे तो गूंगे हकले बीमार को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाओ जाकर सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दो। जाओ जाओ निकलो। ये कब 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 क्या? अभी इसी वक्त। चलो गेट आउट 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 आउट। ए शानी, जब से बोलती जा रही है सुन लो, इसका मतलब बोलते जाएगा क्या? हाँ मोनिस का लियोस की गर्मी का रास्ता छोड़, ठंडी हवा दे, चल। शट अप शट अप। तू छोटा छतरी के सामने चिल्लाने का नहीं समझा क्या? हाउ डेयर यू, मेरे मम्मी के साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए मैडम, बहुत हो गया तेरा डमडम, चुप बैठने का। पना तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है इसके खोपड़ी में भेजा? अरे वो तो लेडीज के खोपड़ी में होता ही किधर है यार। वो क्या था, वो जो रावण के दस दस खोपड़ी में था ना, जो राम ने निकाल के भरता बनाया था, वो क्या था? घमंड। उतार देगा अपन एक सेकेंड में, देखती क्या है। अब दोनों नहाने को जा रहे ले, उसके पहले अब उनको गरम गरम मसालेदार चाय चाहिए, समझी ना? छोटे चल एक रे लिए। देख मंदार, तेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, अब तू भी शादी कर ले। हाँ शादी कौन करेगा पागल है क्या? मेरे हंसते खेलते दोस्त आज रो रहे हैं।
देख, या तो किसी से लव करके शादी कर ले, और अगर वो नहीं हो रहा है तो अरेंज मैरिज कर ले, ये तो डिवोर्स ही मिलेगी। इसको नींद आ रही है, घर चलते हैं। सोच लो मंदार। चलिए मंदार, चलते हैं, खाना खा ले। मुझे और पीना है। ए चलना, चलते हैं ना कट्टू, लिटिल लिटिल। हाँ नहीं यार, आज नहीं, सुबह सुबह एडमिशन की लाइन में खड़ा होना है, कल चलते ना। नहीं कल नहीं हो सकता, कल मेरा डेट है, 2 महीने से सेटिंग कर रहा हूँ। इस सेटिंग वेटिंग से पकता नहीं क्या तू? नहीं क्यों पकूंगा, इट्स अ फिजिकल नीड। और इमोशनल नीड भी तो इम्पोर्टेंट है। तो एक काम कर, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर, मजे कर, और उनकी भी शादी करो। देखो बात सिंपल है, शादी लव हो जो जो भी हो, लव और सेक्स के बीच में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इट्स अ फिजिकल नीड। तो बोर कैसे हो सकते हैं उससे? जब से मैं पैदा हुआ है मैं पॉटी कर रहा ना। अरे इट्स अ फिजिकल एक्ट, इट्स अ नेसेसिटी। बोर हुआ है क्या कभी उससे? ये तू बोल ना, तू बोल बोर हुआ है क्या कभी उससे? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुबह सुबह अच्छे से पेट साफ होता है ना तो अच्छा लगता है। हाँ दिन भी अच्छा जाता है। हाँ तो मरते दम तक अच्छा संडा सो तो मजा आ जाता है। हाँ इट्स अ फिजिकल एक्ट, इट्स अ नेसेसिटी। तो सेक्स के साथ भी सेम है। पॉटिंग। हाँ तो पकने का सवाल ही नहीं है। रेहाना, मैं उसी से प्यार करता हूँ। गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे स्कूल में। बट या मैं शादी तो रेहाना से ही करूँगा, सुरेखा से नहीं। अच्छा हुआ तेरा नाम यूसुफ रख दिया, अब उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? हाँ अरे हाँ सुनना, यूसुफ और रेहाना की जोड़ी अमर रहे, अकबर रहे और एंथनी भी रहे। साले क्यों? अबे लेकिन सुरेखा की शादी तू कर ले, तू भी तो मामा है उसका। नहीं रे, ठीक है मैं करूंगा। अरे ये क्या करेगा शादी, ये तो कवला है रे, छोटा है वो। कवला? एक ही साल छोटा हूँ तेरे से। अच्छा खुद तो अपनी पीठ साफ नहीं कर सकता, निकला है शादी करने। तो क्या हुआ, बीवी से साफ करवाऊंगा ना? ओहो हो सच में देखा 100%। अच्छा ओए सुरेखा, ए रुक, ओ सुरेखा, सुरेखा अभी साले हम लोग चड्डी में है ना। तो क्या कपड़े पहन के तू बीवी से बीच साफ करवाएगा साले का? पानी मंदार, तू जब ऑफिस से आएगा तो वो जोग सनार के पास ये लिंग ले जा। हाँ वो बताएंगे जूनियन है कि नहीं। क्या है कि नहीं? जूनियन है कि नहीं, कम कैरेट का नहीं होना चाहिए। आई जूनियन क्या जेन्युइन? देख तेरे बाबा शादी के कार्ड कब ला रहा है। तृप्ति को कैसा लगा डिजाइन? उनका तो बाबा सॉलिड डिजाइन है। बगल वाली तो लेके गई, जेरॉक्स करके रखेगी आगे के लिए। जेरॉक्स नहीं गा, जेरॉक्स। जेरॉक्स नहीं जेरॉक्स, और तुम जल्दी निकलो ना बाबा बाहर, वरना यहाँ पे कलर जेरॉक्स निकलेगा। अरे आई मैं सुनार वाला के पास नहीं जा सकता, तू जा। मैं ही जाने वाली थी लेकिन अब एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना, तू तो नहीं जाएगा, किसी को तो रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। तुमने पूछा मेरे से कि मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ, झट से बोल दिया जीजा जी और अपर्णा दीदी को। मंदार जाएगा ना रात को एयरपोर्ट लेके। अरे कौन सा रिश्तेदार है पता नहीं। बाबा मैंने तो बताया है शोभा आ रही है, वो अपर्णा से क्या कह रही थी, शोभा आंटी। आंटी? हाँ जो अपर्णा ने कहा वो बता रही हूँ, तू अपनी दीदी से कॉन्फर्म कर ले। कॉन्फर्म करूंगा, कन्फर्म नहीं करूंगा। अरे आई मैं जानता भी नहीं उनको, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ पिकअप करने। अपर्णा पोस्ट कर रही है ना तेरे कंप्यूटर पे उसका फोटो, देख लो। शोभा हाँ ये वही है ना ड्राइवर सी जिसका लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो इधर चल रहा है बाबा, तुम जल्दी निकलो ना बाहर, रोज रोज मेरे ऑफिस जाने के टाइम पे ही तुमको लगता है। आपके घर से और क्या क्या सामान चोरी हुआ है? गहने सारे चोरी हो गए। उस वक्त रात के कितने बजे थे? रात को 2 बजे। आप उस वक्त सो रहे थे? नमस्ते। यस एसीपी साहब हैं? दो लफंगों को तोड़ रही हैं। ओ नाम क्या उनका? इंस्पेक्टर बीबी।
जालिम लफंगों ने 14 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ जोर जब कौन हो भाई? मैं बस दरअसल हैं? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? जी नहीं, मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। गौरव, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मैं भवानी भागमर, तुम्हारी पुरानी टोली, पहचान नहीं रहे मुझे? कितनी पार्टियां मनाते थे हमारे छत पे। अरे विकी की बड़ी बहन यार, भवानी। अरे आप चपरासी के साथ भाग गई थी कॉलेज में, फैमिली ने वापस लाया था। अरे क्या यार, ढिंढोरा मत पीट यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अबे चल चाय चोए, वापस कॉलेज में खड़ा है। कहा तो देख, साले के बीच में बोलता है। भोली भाली लड़की जो चीटी से भी डरती थी, आज जाबाज पुलिस ऑफिसर बन गई। अरे क्या बताऊं यार गौरव, हालात इंसान को पुलिस वाला तक बना देते हैं। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? कंप्लेंट लिखाने आया है? अरे तू खाली नाम बोल, हड्डियों का विसर्जन करा दूंगी मैं, बोल। नहीं नहीं दीदी, कोई कंप्लेंट नहीं, मैं इनको छुड़ाने आया था। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता बोले तो ये मेरे बावर्ची लगते हैं। कौन ये छल छबीला? सुबह सुबह सब्जी लेने निकला था, मैंने सुना पुलिस ने पकड़ लिया तुम्हें यहाँ है। और ये नंगा? नहीं जानता। क्या तू मुझे नहीं जानता? मतलब इतना जानता हूं कि घर का संडास साफ करने आता है। दीदी बावर्ची को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दो यार, अब एफआईआर लिख चुकी है। दीदी भूखा मर जाऊंगा, आजकल लगे बाप मिल जाता है, बावर्ची नहीं। चल ठीक है, तू बावर्ची को ले जा, लेकिन इस अदनंगे को कोठरी में डाल दू। 100-200 उठक बैठक करा दो, उल्टा लटका दो, नीचे से लाल मिर्ची की धुनी दे दो, सस्ते में निपट जाएगा। चल निकल ले, लेकिन आइंदा कॉलेज के सामने नजर नहीं आना, समझे? राणे मुझे अकेला छोड़ के। ए, खड़े रहे। मैंने तुझे बोला क्या करने के लिए है? नहीं लेकिन जल्दी करूंगा तो जल्दी खत्म होगा, तो मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में घर जा सकता हूं। तू आया पुलिस की जीप में, जाएगा एम्बुलेंस में, समझे? तोंदू चल लगा रहे, शुरू कर। आ गए, मैं बाद में फोन करता। ये क्या है बापू, ये नया हुलिया है क्या? ए, वो मेरा वो वो सुबह कुछ मिल नहीं रहा था, तेरा कवर खोल के पहन लिया। ये बाइक किसकी है? मातुर के, वो छोड़ के। दूध वाले को कितना पैसा दिया? दूध कौन दूध वाला? कहाँ का? अरे बाप रे, उसको तो पिछले ही हफ्ते हमने पैसे दिए, फिर से कैसे पैसे मांग सकता है वो? वो दूध वाला ये दूध वाला नहीं है, ये दूध वाला वो दूध वाला है जिसकी साइकिल ने तुम्हें मारा शिखा के घर के सामने। मैंने? बापू ज्यादा बनो मत, अभी अभी शिखा का फोन आया था। नहीं नहीं वो मैं नहीं हो सकता, उसने कोई सपना देखा होगा और वह। अरे हाँ,
उससे मेरा हमशक्ल देखा होगा। कहते हैं कि इस दुनिया में हमारे जैसे 7 लोग होते, 7। ए, आपके हाथ को क्या हो? क्या ये खून है क्या? कहाँ, किधर? पार्क में दौड़ रहा था तो पेड़ की टहनी से टकरा गया, तो बोले तूने मुझे बताया तब मुझे पता चला। उसी कोई बात नहीं, उसी वक्त साफ करूंगा, 2 मिनट में करूंगा। तेरा बाप जनार्दन राणे। बापू? हाँ बापू। इतने जले कैसे? किचन में कुछ जला था क्या? वो जला नहीं था, मैंने बाल को रंग लगाया है। मूंछ कहाँ गई? काट दी। क्यों? क्यों क्या? तेरे साथ बाहर निकलता हूँ, लोग बोलते ये गौरव अपने दादाजी के साथ जा रहा है। मैं क्या तेरा दादा हूँ? ना ही तेरा दादा हूँ, ना ही मैं इतना बूढ़ा हूँ। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बाल रंगाते। तो कर दिया मैंने। तो सलून में जाकर ढंग से क्यों नहीं करते? वरना लोग बोलेंगे कि बेटे ने बाप के सर पे डामर का डिब्बा खोल दिया। वो बिल भी मेरे नाम फटेगा। और बापू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं सफेदी की चमकार हो गया। क्या हो क्या रहा है? क्या बुरा है? बंठन के क्या सिर्फ तू ही घूम सकता है, मैं नहीं? क्या है ना मेरे लाल, कौवा चाहे दूध में भी ना लेना, बगुला नहीं बनता। बारिश होने वाली है, बाहर निकलना मत वरना सचमुच भीगा कौवा लगोगे।